Good morning, students. We are talking about the topic hybridization. Hybridization के बारे में बात कर रहे थे. तो we have done the three type sp3, sp2 and sp. Now we have the next type of hybridization sp3b. Next type का नाम है sp3b hybridization. Now इसका नाम है देखो. sp3d, इसका नाम sp3d क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, 1s, 3p और 1d. तो इस टाइप 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड 1d ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल ऑफ एन एटम हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो एक s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, तीन p कंबाइन कर रहे हैं, एक d कंबाइन कर रहा है, पांच कंबाइन कर रहे हैं, पांच हाइब्रिड बनेंगे. और ये जो पांच हाइब्रिड बनते हैं कहां पे लाई करते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विच एक्वायर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. तो दोबारा सुन लो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल, एक s, तीन p और एक d. ठीक है, तो पांच ऑर्बिटल एक ही शेल के आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, कंबाइन करते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटते हैं एंड दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, जिस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्बिटल भी वही बनेंगे. तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑर्बिटल भी कौन से बनेंगे? sp3d बनेंगे. जितने कंबाइन करेंगे उतने करेंगे, पांच कंबाइन कर रहे हैं तो पांच sp3d बनेंगे. और ये पांच sp3d कहां पे लाई करते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगल के नाम पे होंगे. थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्युपाई ट्रायंगल. ठीक है, साइड पे ट्रायंगल की साइड पे लाई करेंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऑक्युपाई होंगे एट द राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ अदर थ्री. जैसे हम दिखाएं, ये एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिस इज 1sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन. तो ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दिए हमने. कहां पे ऑक्युपाई कर रहे हैं? ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड पे लाई कर रहे हैं. अगर हम इनको कंबाइन करें इस तरह से, सो दीज आर द थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल. पांच में से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये जो कहां पे लाई कर रहे हैं? थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल. और जो दो और हाइब्रिड है कहां पे लाई करते हैं? एट द राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ दीज थ्री. इन दोनों के राइट एंगल पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आप यहां दिखाएंगे, एक ये. तो दिस इज द फिफ्थ वन. तो थ्री थ्री तो ये हो गए, फोर्थ और ये फिफ्थ हो गए. तो ये पांच sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए. ठीक है, अब ये पांच sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है कब बनते हैं? जब एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल किसी एटम के आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं. ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं. इसका एग्जांपल है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड.
तो एग्जांपल वी आर टेकिंग पीसीएल पाइप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम फास्फोरस की कॉन्फिगरेशन के ग्राउंड स्टेट में 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो, 2p में 6, 3s2, 3p3 इसे दिखा सकते हैं स्क्वायर बॉक्स से। 1s में दो, 2s में दो, 2p में 6 है, 3s में दो और 3p में तीन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, आपको मैंने पहले बताया था पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, px, py, pz। तो ये कौन सा है, 3px, 3py, 3pz। तो 3px में एक इलेक्ट्रॉन, 3py में एक इलेक्ट्रॉन, 3pz में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिगरेशन हमने यहीं से लिखी है, 3p1 में एक इलेक्ट्रॉन, 3px में, 3py में, 3pz में। नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस। नाउ देखो फास्फोरस को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 5 बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है, और पीछे हमने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड है कैसे बनते हैं, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपके हाफ फिल्ड होने चाहिए। अब यहां तो तीन हाफ फिल्ड है फास्फोरस के पास, तो तीन ही हाफ फिल्ड है, तो फास्फोरस को तीन बॉन्ड बनाने चाहिए। बट पीसीएल फाइव में फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो 5 बॉन्ड कैसे पॉसिबल होंगे when we have 5 half filled orbital, तो 5 half filled कैसे आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन 3s से आगे जाएगा कहां पर, 3d में, 3d सबशेल खाली पड़ा है फास्फोरस का, तो फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन 3s से कहां ले जाएगा यहां पर, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 3d1। तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से, 3s से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा 3d में। ठीक है, तो 5 हाफ फिल्ड हो गए। इसको 3d1 भी लिख सकते हो, 3dz1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है कौन सा है, जेड स्केयर, डीजेड स्केयर। ठीक है, तो इसको 3d1 भी लिख सकते हैं, 3d डीजेड स्केयर भी लिख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हाउ मेनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वी हैव, 5 हाफ फिल्ड हैं, एक 3s में हाफ फिल्ड आपका है, 3 p वाले हैं, एक d वाला, 5 हाफ फिल्ड हैं। ठीक है, तो फास्फोरस के पास 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बट आपको अपने पढ़ा पीछे बॉन्ड सेम कब बनते हैं, जब उनको बनाने वाले ऑर्बिटल भी सेम हो, पर यहां तो ऑर्बिटल डिफरेंट है, एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, इनकी शेप में भी डिफरेंस है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, तो बॉन्ड सेम कब बनेंगे, तो बॉन्ड सेम तब बनेंगे जब ये पुराने ऑर्बिटल आपस से कंबाइन करें, अपनी एनर्जी को दोबारा बांटे और कुछ नए ऑर्बिटल बनाए जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और शेप भी एक जैसी होगी, मीन दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एक 3s, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, व्हिच हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस, sp3d। तो वी गेट 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 हाइब्रिड बन जाएंगे। तो फास्फोरस के पास ये जो 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, sp3d। तो वी गेट 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अभी हमने पढ़ा था 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको ऑक्युपाई होते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिड। तो ये फास्फोरस है, ये मान लो फास्फोरस है, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 5 हाइब्रिड बनेंगे, एक मान लो ये आपका हाइब्रिड हो गया, एक आपका ये हो गया हाइब्रिड, एक ही हो गया, ये sp3d, ये sp3d, ये sp3d, तीन तो यहां पे लाई करते हैं, दो कहां पे लाई करते हैं, इनके राइट एंगल पे, ये sp3d है और ये sp3d। तो वी हैव 5 sp3d
हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आपने पीछे पढ़ा था हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक हिस्सा बड़ा होता है दूसरा स्मॉल, दिखाता हूं मैं, हाइब्रिड में एक हिस्सा बड़ा होता है दूसरा स्मॉल, ये हाइब्रिड है। तो यहां पर भी एक हिस्सा बड़ा स्मॉल हम दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ऐसे एक हिस्सा बड़ा एक स्मॉल दिखा सकते हैं, तो वी कैन शो, दिखाना चाहे तो। ओके, ये फास्फोरस के पास पांच हाइब्रिड बन गए, ठीक है। अब फास्फोरस को किससे बॉन्ड बनाना, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का कौन सा हाफ एंड है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1, ये हाफ फील्ड है। तो क्लोरीन का कौन सा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 3pz। तो फास्फोरस को किससे बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन से। तो ये तो फास्फोरस के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये किससे ओवरलैप कर जाएंगे, हाफ फील्ड 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म, ठीक है। तो क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल यहां पे कंबाइन कर देगा, ठीक है, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक यहां पे कंबाइन कर देगा, वन हियर, एक यहां पे कंबाइन कर देगा ओवरलैप, और एक यहां पे ओवरलैप कर देगा। तो ये कौन से ऑर्बिटल हैं, 3pz ऑर्बिटल, दिस इज द हाफ फील्ड 3pz ऑर्बिटल, किसका, क्लोरीन का। सो 5 क्लोरीन है, तो ये 5 क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल हैं, किससे ओवरलैप कर गए, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस, और ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, एंड टू एंड, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह दिखा सकते हैं, फास्फोरस क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा ओवरलैपिंग से, क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, तीन तो मेन दिखा दिए, ठीक है, और दो राइट एंगल पे बनेंगे, ये तो ट्राइंगल के किनारों पे, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो फास्फोरस जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन करके एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा, इनके ऑर्बिटल्स फास्फोरस के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे विल ओवरलैप एंड टू एंड विद हाफ फील्ड 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, एंड ड्यू टू एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिस 5 सिग्मा बॉन्ड्स विल बी फॉर्म, ठीक है। अब PCl5 में दो तरह के बॉन्ड एंगल्स हैं, ये तो ट्रायंगल वाले हैं, ये तो ट्रायंगल वाले हैं, ये बॉन्ड एंगल तो 120 के, ठीक है, 3 बॉन्ड एंगल्स आर 120, और ये जो एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन है, ये कितना बनाएंगे, 90, ये कौन सा बनाएंगे, 90 का बॉन्ड एंगल। तो इन PCl5 3 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, एंड 2 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, 2 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो 120 के, बाकी ये जो दो क्लोरीन है दे विल फॉर्म 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द 3, ठीक है, और शेप कौन कह रहे थे, ट्राइगोनल पिरामिड, शेप ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। तो ये था sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल PCl5। नाउ नेक्स्ट टाइप वी हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 नाम से है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल ऑफ एन एटम हाइब्रिड।
hybridize to form 6sp3d2 hybrid orbital. ठीक है, छह ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, छह हाइब्रिड बनते हैं और ये छह हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपाय होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. कहां पे लाई करते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये छह हाइब्रिड हैं. ठीक है, तो दे लाई है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो ये था sp3d2 होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन. अब हम इसका एग्जांपल ले लें. ठीक है, सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6. तो यहां पर सेंटर एटम कौन है? सल्फर. सल्फर की कॉन्फिगरेशन लिख रहे ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1. अगर आप सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन देखें, हाउ मेनी हाफ पेयर्ड ऑर्बिटल वी हैव? हाउ मेनी? टू. दो हाफ पेयर्ड ऑर्बिटल हैं सल्फर के पास. तो सल्फर को दो बॉन्ड बनाने चाहिए, पर सल्फर छह बॉन्ड बना रहा है. सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर इज फॉर्मिंग 6 बॉन्ड. अब छह बॉन्ड कब बनेंगे? व्हेन वी हैव 6 हाफ पेयर्ड ऑर्बिटल. अब छह हाफ पेयर्ड कहां से आएंगे? सल्फर के पास 3d सबशेल खाली है. सल्फर के पास 3d सबशेल खाली पड़ा हुआ है. ठीक है, तो सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 3s से यहां पर आ जाएगा. तो इन द एक्साइटेड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन 3px से यहां पे आ जाएगा, एक 3s से यहां पर आ जाएगा. तो 2d के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, यहां पर वही हमने शो कर रखा है. 2d ऑर्बिटल्स हैं, ये 3d ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, एक में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक. आपकी मर्जी है, ऐसे दिखाना चाहो दिखा सकते हो. x² - y² d ऑर्बिटल ये वाला है, dx² - y², दूसरा d ऑर्बिटल कौन सा है? dz² ये आपकी मर्जी है, आप ऐसे दिखा दो. 3d1 3d1. ठीक है, क्योंकि 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा. 3d1 3d1. सो देयर इज अप टू यू, ऐसे दिखा दो कि 3d में दो सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पर. ये आपकी मर्जी, दिखाना चाहो दिखा सकते हो. ये d ऑर्बिटल कौन सा है? dx² - y², इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है. एक dz² में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. नाउ वी हैव 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल. अब हमारे सल्फर के बच्चे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? एक s कंबाइन करेगा, एक s, 3p और 2d. तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. तो विच हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस? sp3d2. 6 कंबाइन कर रहे हैं, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए सल्फर के पास. ठीक है, और अभी आपने पढ़ाया 6 हाइब्रिड कहां पे लाई करते हैं? ऑक्टाहेड्रल. तो ये सल्फर है, 6 हाइब्रिड बनेंगे. तो दे ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2. तो 4 हमने शो कर दिए, ये 4 हमने शो कर दिए, और दो इनके यहां पे राइट एंगल पे लाई करते हैं sp3d2. एक यहां sp3d2. तो सल्फर के पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, हाफ पेयर्ड ऑर्बिटल है. अब सल्फर को किससे बॉन्ड बनाना है? फ्लोरीन के साथ. फ्लोरीन का कौन सा हाफ पेयर्ड होगा? 2px2 2py2 2pz1, ये हाफ पेयर्ड. तो सल्फर को फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना है. ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बनना है, कोवलेंट बॉन्ड बनना है. तो ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी. ऑर्बिटल कौन से होने चाहिए? हाफ फील्ड. तो फ्लोरीन का हाफ फील्ड कौन सा है? 2pz. तो ये तो सल्फर के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है. किससे कंबाइन कर जाएंगे? 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन. ओवरलैपिंग एंड टू एंड होगा, तो एक यहां पे कंबाइन कर जाएगा,
क्लोरीन है, वी हैव सिक्स क्लोरीन, छह क्लोरीन है, तो छह क्लोरीन के टू पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे यहां पर हाइब्रिड के साथ, तो ओवरलैपिंग एंड टू एंड हो जाएगा, ओवरलैपिंग विल बी एंड टू एंड, तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गई और सल्फर और फ्लोरीन के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म, तो विच बॉन्ड विल बी फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड, तो ये हम बॉन्ड अब शो करने वाले हैं क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, सल्फर फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, तो चार बॉन्ड तो ये बन जाएंगे, तो ये चार बॉन्ड कौन से बने हैं, ये वाले, इनकी ओवरलैपिंग हुई, इनकी ओवरलैपिंग हुई, इनकी ओवरलैपिंग, इनकी ओवरलैपिंग, चार बॉन्ड बन जाएंगे और दो बॉन्ड जो है राइट एंगल में के लाइक करेंगे, एक यहां पे बॉन्ड बनेगा, एक यहां पे बॉन्ड बनेगा, सल्फर और फ्लोरीन में ये बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये बन गया SF6, दिस इज SF6, इस शेप को हम कहते हैं ऑक्टेहेड्रल शेप, शेप को हम कहते हैं ऑक्टेहेड्रल शेप, और यहां पर सारे बॉन्ड एंगल 90 के हैं, इन SF6 ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, जितने भी बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के, 90 डिग्री ईच, तो दिस वाज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये तो हमने कर ली टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हाइब्रिड, अब हम लेते हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे, कोई आयन दे दे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना हो तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, सो देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रूल टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, पहला रूल क्या है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के हम क्या फाइंड करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो रूल नंबर वन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल, अगर आपको जो स्पीसीज दिया हुआ है कैटायन है तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो जितना पॉजिटिव चार्ज दे रखा होगा उतने इलेक्ट्रॉन आप कम कर दोगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कैटायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर अनायन हो तो इन केस ऑफ अनायन, अनायन नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन कैसे बनते, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव आयन दे रखा हो तो जितना नेगेटिव चार्ज दे रखा होगा उतने इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे इन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैटायन दे रखा है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ अनायन जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे इन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये था रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 के इक्वल है या 8 से कम है, या तो 8 से कम है या 8 के इक्वल है तो उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 टू गेट क्वोशेंट क्यू रिमाइंडर आर, ठीक है, तो डिवाइड करने 2 से डिवाइड करने से क्वोशेंट आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो डिवाइड इट बाय 8, तो उसको किससे डिवाइड करना है, 8 से, तो क्वेश्चन आएगा Q1 रिमाइंडर आ जाएगा R1, अगर ये रिमाइंडर R1 एक से ज्यादा आ जाए तो, अगर आपका R1 एक से ज्यादा है तो इसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, अगर R1 एक से ज्यादा आ जाए तो इसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट क्वेश्चन Q2 एंड रिमाइंडर R2, ठीक है, ये तो था डिवाइड करने के बाद, इसके बाद आपको क्या करना है, रूल नंबर 4, फाइंड x, x
की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये जो कोशेंट रिमाइंडर आपके पास आए हैं, यहाँ q r आया, यहाँ q r r बनाया और यहाँ से q2 r2 आ गया, ठीक है। तो ये कोशेंट और रिमाइंडर का आपको सम करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर q प्लस r हो जाएगा, इस केस में q1 प्लस r1 हो जाएगा, और अगर r1 एक से ज्यादा हो तो इसको दो से डिवाइड करेंगे तो r1 की जगह कौन आ जाएगा, q2 और r2 आपके पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोशेंट रिमाइंडर का आपको सम करना। अब ये जो x की वैल्यू आएगी यही बताएगा आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर x की वैल्यू दो आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, तीन आएगी तो sp2 माना जाएगा, फोर sp3, फाइव आएगी तो sp3d, सिक्स आएगी तो sp3d2, सेवन आएगी तो sp3 d3, ठीक है। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं और इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं बोरॉन ट्राइफोलाइन, ठीक है। पहला एग्जांपल ले रहे हैं बोरॉन ट्राइफोलाइन, तो क्या फाइंड करेंगे आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का एटमी नंबर 5 होता है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का 9 होता है, 7, ठीक है। नाउ यहां बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। नाउ तीन फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन के पास कितने हैं, 7, थ्री फ्लोरीन के पास 3 7, तो ये आपके पास आ गया 24 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 24। और अभी आपने रूल नंबर थर्ड में पढ़ा है, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो तो उसको आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 24 है 8 से ज्यादा है तो उसको आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां क्या फाइंड करना है, एक्स, एक्स कैसे फाइंड करना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर का सम करना है, ठीक है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट कितना है 3, रिमाइंडर 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, और एक्स की वैल्यू 3 मीन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे कौन सा आ जाएगा, sp2, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो आपके पास है C2H4, मॉलिक्यूल कौन सा है C2H4, इथीन, ठीक है। यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटमी नंबर 6, आउटर मोस्ट में 4, एक कार्बन के पास 4 है, दो कार्बन के पास 8 हो जाएंगे, 24, दो कार्बन है, एक कार्बन के पास 4 हो गए, दो के पास 8, एक हाइड्रोजन का एटमी नंबर 1 होता है तो 4 के पास 4, तो 8 प्लस 4 12 इलेक्ट्रॉन जो है, 12 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है तो किससे डिवाइड करोगे, 8 से, तो 12 को 8 से डिवाइड करना आपको। नाउ क्वेश्चन तो 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 4, और अभी रूल नंबर थर्ड में आपने पढ़ा है अगर रिमाइंडर 1 से ज्यादा आता है तो उसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जो 4 रिमाइंडर है इसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू q1 प्लस q2 प्लस r2, पहला क्वेश्चन 1, दूसरा क्वेश्चन 2, r2 रिमाइंडर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp2। नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक, कोई आयन ले लेते, लेट्स टेक आयन, मान लो हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन S3O+, ये हमने लिया हाइड्रोनियम आयन, यहां कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट कितने होते हैं 6, हाइड्रोजन के पास 1 है, नाउ वी हैव 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1, 3 हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है,
रूल नंबर वन में आपने पढ़ा है, अगर कोई पॉजिटिव आयन हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन आपको कम करने पड़ेंगे। एक पॉजिटिव है, एक कम कर दो तो 9-1 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 8, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है या 8 के इक्वल है तो देन यू डिवाइड बाय 2, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है इसको। तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन तो आ गया 4, रिमाइंडर है 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x की वैल्यू 4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा sp3। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन आपको कम करने पड़ेंगे, और अगर कोई नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन ले लेते हैं। लेट मी टेक सल्फेट आयन, कौन सा ले लिया हमने सल्फेट आयन। सल्फर के आउटर मोस्ट में वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सल्फर के पास कितने हैं 6, एक ऑक्सीजन के पास भी 6 है, कितने ऑक्सीजन हमारे पास है 4 ऑक्सीजन, तो 4 × 6। नाउ ऊपर कितना चार्ज है -2, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 32, 32 8 से ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन इज 4 रिमाइंडर 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3। तो यहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द गिवन मॉलिक्यूल और कैटायन और एनायन। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपका ओवर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट।